Good morning, dear students. Welcome to the online classes. Dear students, in the class 9th, chapter number 8, motion. We are going to discuss example 8.1, 8.2, and example 8.3. Dear students, before discussing these examples, let me recoil a simple concept that is of average speed. Average speed what is speed speed means total distance travel total distance travel in total time this is the formula of speed average speed equals to total distance travel by total dear students si unit si means system international unit of speed is meter si unit means system international unit of speed is meter you are knowing that speed is meter per second <clears throat> system international unit of speed? Is meter per second? You are knowing that speed can be measured in kilometer per hour, okay? But system international is only meter per second. Another unit of speed is kilometer per hour, okay? So, remember this thing I have provided revision lectures for the displacement distance uniform motion and non uniform motion on the basis of that video i am going to teach you example 8.1 an object an object travels 16 meter in 4 second okay note down this thing 16 meter in 4 second एंड देन अनदर सिक्सटीन मीटर पहले सिक्सटीन मीटर ट्रैवल कर लिया फिर दूसरी बार सिक्सटीन मीटर ट्रैवल कर रहे हैं दो सेकेंड में वॉट इज द एवरेज स्पीड वॉट इज द एवरेज स्पीड डी ए स्टूडेंट्स हियर इज सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल एट पॉइंट वन टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू पहले कितना ट्रैवल किया था सिक्सटीन फिर कितना ट्रैवल किया सिक्सटीन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया थर्टी टू मीटर ओके टोटल टाइम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल टाइम पहला सिक्सटीन मीटर कितने सेकेंड में ट्रैवल किया था फ़ोर दूसरा 16 मीटर कितने सेकंड में ट्रैवल किया था टू टोटल सिक्स सेकंड आपको सेकंड पूरा लिखना है या फिर सिर्फ एस लिखना है ओके अवर फॉर्मूला फॉर द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ओके टोटल डिस्टेंस है थर्टी टू टाइम है सिक्स यस और नो आपको भी पता है ये सिक्स के टेबल में थर्टी टू नहीं आता 6, 6, 0, 36 होता है थर्टी टू सिक्स ये रहा फाइव ये रहा थर्टी ये रहा टू यहाँ पे आ गया पॉइंट इसको दे दिया जीरो सिक्स थ्री जार एटीन ये बचा टू फिर से दे दिया जीरो मीन्स ऐसा कैरी ऑन होता जाएगा इन शॉर्ट आंसर आया हुआ है 5.33 मीटर पर सेकेंड यूनिट इज कंपलसरी और यहाँ पे भी लिखना है कि आपका आंसर क्या है एवरेज स्पीड सो आपको यहाँ पे भी लिखना है देर फॉर इन ऑब्जेक्ट ट्रेवल एट एवरेज स्पीड ऑफ 5.3 मीटर पर सेकेंड लास्ट लाइन ऐसे लिखना है ठीक है कोई स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड इस स्टाइल में लिखेगा तो कोई स्टूडेंट ऐसा लिखेगा मीटर एस माइनस वन क्लियर बोथ आर वैलिड ओके मूविंग अहेड डी स्टूडेंट्स ओके सेकेंड क्वेश्चन एंड ऑडोमीटर तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि ऑडोमीटर किसे कहते हैं आपकी बाइक मीन स्कूटी ले लो या फिर कोई भी मोपेड उसके अंदर जो मीटर रहता है एक होता है स्पीड का उसे कहते हैं स्पीडोमीटर वो स्पीड दिखाता है फिर बीच में जो नंबर्स आते हैं ना सपोज थ्री फाइव फोर सेवन एट फिर ये नंबर जो होता है वो वेरिएबल मीन्स ये फटाफट घूमता रहता है जीरो वन टू थ्री ऐसा यहाँ पे एक बॉक्स ठीक है तो ये जो दिखाता है इसे कहते हैं ऑडोमीटर ये स्पीडोमीटर के अंदर होता है स्पीडोमीटर जो है वो स्पीड दिखाएगा ऑडोमीटर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो दिखाएगा ठीक है द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स मीन पहले से ही टू थाउजेंड तो उसमें लिखा हुआ था पहले से ही टू थाउजेंड लिखा हुआ था रीड्स टू थाउजेंड किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड टू फोर डबल जीरो किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप इफ द ट्रिप टुक एट आवर्स कितना टाइम लिया एट आवर्स कैलकुलेट क्या करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आर एंड मीटर पर सेकेंड ठीक है एक मैं आपको सिंपल सी बात बता दू सपोज ये बाइक स्कूटी टू अ गर्ल्स एंड बाइक टू अके पहले से ही जब आपको गिफ्ट में मिला था तब तो वहां पर लिखा हुआ था हंड्रेड किलोमीटर आपको जैसे गिफ्ट मिला आपको सबको दिखाना है अपने फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हो तो वहाँ से वापस आए दो तीन फ्रेंड्स के घर पे घूम के आए तो ऑडोमीटर दिखा रहा था 125 किलोमीटर इट मीन्स कि आपने 125 किलोमीटर चलाया नहीं आपने कितना चलाया है 125 ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड मीन्स आपने सिर्फ चलाया है 25 किलोमीटर इट मीन्स यहाँ पे जब स्टार्ट करने के टाइम पे कितना था पहले से ऑडोमीटर पे लिखा हुआ 2000. जब उसने ट्रिप खत्म किया तो कितना लिखा हुआ था 2400. इट मींस उतने उसने कितना चलाया है 2400 माइनस 2000 मींस 400 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर हुआ है ओके सो यूज योर स्मार्ट ब्रेन डी स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिख लो आप टोटल डिस्टेंस ये ऑडोमीटर का केस है टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑडोमीटर में रीडिंग कितना है लास्ट में टू फोर डबल जीरो पहले कितना था टू ट्रिपल जीरो मीन्स ये हो गया फोर हंड्रेड किलोमीटर चलो अभी आगे बढ़ते हैं टोटल टाइम टोटल टाइम हो गया है एट आवर्स ठीक है तो एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस जो है फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई एट आपको भी पता है फाइव एट हजार फोर्टी ये फाइव एटार आ गया फोर्टी मीन्स ये है फिफ्टी किलोमीटर पर आवर क्यूब ये डिजिट किस में था किलोमीटर में नीचे वाला डिजिट किस में है सेकेंड में भी आंसर मांगा गया है डी स्टूडेंट्स वो मेथड वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या फिर वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए ठीक है चलिए यू आर नोइंग डी स्टूडेंट्स दैट वन किलोमीटर इक्वल्स टू थाउजेंड मीटर एंड इन वन आर थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड सेलोमीटर थाउजेंड मीटर इन वन आर थ्री सिक्स डबल जीरो सेकेंड आर देर ओके नाउ प्लीज सी हियर

थर्टी सिक्स का मीनिंग होता है नाइन इंटू फोर एग्रीड नाइन सिक्स थर्टी सिक्स ओके यहाँ पे मीनिंग होता है फाइव इंटू टू ये रहा टू ये रहा फोर यहाँ पे आ गया टू यहां का टू यहां चला गया हो गया ट्वेंटी फाइव डन सो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव डिवाइडेड बाय नाइन सो ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव 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 आर ट्वेंटी फाइव कैरी वन मीन वन टू फाइव डिवाइडेड बाय नाइन ओके ये आंसर है मीटर पर सेकेंड में ये सब किसके आंसर है एवरेज स्पीड किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड ओके सो हैव अ डिवीजन one two five here nine nine ones are nine three and five done okay so here we will keep nine threes are twenty seven okay so thirty five minus twenty seven that is eight so here will be point and here there will be a zero agree dear students now you have to carry on the division clear okay now moving ahead so what we will do the next clear so here we will have 9 9s are 81 so we'll have 9 with 8 okay so answer is 13.8 meter per second speed this is meter per second and 50 kilometer per hour was in uh, kilometer per hour okay clear okay this was speed da students now one more topic that is average velocity एवरेज वेलोसिटी यहां पर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टोटल डिसप्लेसमेंट बाई टोटल टाइम आई हैव प्रोवाइडेड यू रिविजन वीडियो डी ए स्टूडेंट इज रिलेटेड टू द डिसमेंट एंड टाइम ओके सो प्लीज बी केयरफुल ओके See, speed can be positive and zero. Velocity can be zero positive. एंड नेगेटिव सो स्पीड कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो वेलोसिटी कैन बी पॉजीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिकॉज डिसप्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो ओके ना एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज सेम लाइक स्पीड जो स्पीड का एस आई यूनिट है वही एस आई यूनिट वेलोसिटी का है स्पीड का क्या है मीटर पर सेकेंड सो वेलोसिटी का भी यही ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड ओके एक्सरसाइज सॉरी एग्जाम्पल एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन इन अ नाइंटी मीटर लॉन्ग पुल शी कवर्स वन एट्टी मीटर इन वन एंड टू द अदर

फिर बी से वापस ए पे आ जाती है पहले यहां गई फिर यहाँ पे वापस आई ये सर नो कितना टाइम लिया उषा ने 90 जाने का 90 आने के लिए सो so टोटल 180 एटी यस और नो 180 एट इज वॉट डिस्टेंस ओके सो यू शुड राइट टोटल डिस्टेंस Travel by Usha is one eighty meter. Use your common sense. Total displacement done by Usha is. जहां से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं पे आ गए मीन्स जीरो जीरो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो मीटर ऐसे लिखते हैं जीरो ये ओम बन गया जीरो मीटर ठीक है ओके तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी टाइम कितना है वन मिनट ओके सो टोटल टाइम वन मिनट मीन सिक्सटी सेकेंड अभी मैंने मिनट को सेकेंड में क्यों कन्वर्ट किया बिकॉज यहाँ पे मीटर है तो मुझे चाहिए क्या सेकेंड किलोमीटर होगा तो मुझे टाइम किस में चाहिए आवर में ठीक है ओके okay. इट इज क्लियर सो टोटल डिस्टेंस इज 180, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो चलो वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं सबसे पहले स्पीड डी स्टूडेंट्स अगर वो एवरेज स्पीड ना बोले सिर्फ स्पीड कहे फिर भी यही फॉर्मूला है ओके okay? सो so, मैं आपके लिए यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वन एटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी जीरो जीरो थ्री आर मीन्स स्पीड इज़ थ्री मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए हम वी लिखते हैं। वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट। वो तो जीरो था टोटल टाइम कितना था सिक्सटी वे कोई जीरो जीरो कट मत कर देना वी इक्वल्स टू जीरो मीटर पर सेकेंड सो उसकी वेलोसिटी नहीं है इसकी स्पीड है स्पीड कितनी है 3 meter per second. Okay. So I hope, dear students, you are able to understand these three examples. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much.